पराठा रोल के लिए जो कबाब तैयार किए जाते हैं, इसकी हम देंगे आज आपको बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। तो चलिए हम आपको उसकी मैरिनेशन की तरफ ले चलते हैं। तो आपको बताते हैं ये कितने ज़बरदस्त और कितने आसानी से तैयार हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी मैरिनेशन की तरफ ले चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मैंने आधा किलो कीमा लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने डाली है चॉप हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 प्याली मैं डाल दूँगी इसमें हरा धनिया की। आपने इसको कहीं स्किप नहीं करना, ये बहुत ज़बरदस्त तैयार होने वाले हैं और इससे आपका पराठा रोल यम्मी बनेगा, बहुत बहुत ही कमाल का और डिलीशियस। इसको आप बच्चों को भी दे सकते हैं लंच बॉक्स के लिए। और यहाँ पे मैंने 1 अदद बड़े प्याज का इस्तेमाल किया, इसका पानी मैंने निकाल लिया है। पानी को आपने वेस्ट नहीं करना अगर आपने इसको कबाब को तलना है। इससे चटनी कैसे तैयार की जाएगी वो हम आपको बाद में बताएंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाल दिया, 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर का डाल दिया, 1 टीस्पून इसमें मैं भर के गरम मसाला पाउडर का डाल रही हूँ। आप इसको फ्राई भी कर सकते हो, आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स ब्रेकफास्ट के लिए भी बना सकते हैं पराठा रोल, आप इसको घर में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत यम्मी तैयार होगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें जीरे का डाल दिया है, 1 टेबलस्पून लेवल मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। ये बिल्कुल नॉर्मल स्पाइस है, अगर आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें नमक का डाल दिया, नमक भी मैंने 1 टेबल स्पून लेवल डाला, ज़्यादा भरकर नहीं डाला। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। आपको पता है ये चम्मच से तो होगा नहीं, अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताए चली जा रही हूँ, वो जो पानी का मैंने जिक्र किया था, जब मैं आपको कबाब की एक और वेरिएशन बताऊंगी, जो कि आप कबाब तलते हो, आप घर में मतलब कि नान या रोटी के साथ खाते हो, वो आपने पानी को ज़ाया नहीं करना, उससे एक कमाल की चटनी बनाई जाती है। वो इतनी मज़ेदार लगती है कि सारी चटनियों को पीछे कर दिया। अब वो कैसे बनाई जाती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप तो जानते हैं मेरी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल सादा सी, बहुत ही यम्मी और डिलीशियस होती हैं, और जो मैं रेसिपीज़ तैयार करती हूँ वो इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती, आपको ये भी पता है। और जो वो चटनी तैयार होगी वो तो इतनी कमाल की तैयार होगी कि आप खुद बोल उठेंगे रबिया द कुकिंग एक्सपर्ट, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, मैंने इसको मिक्स कर लिया, अब हम बनाते हैं यहाँ पे कबाब। मैं इनको नॉर्मल साइज़ का बना रही हूँ, मैं स्पेशली अपने बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए ही तैयार कर रही हूँ कि सुबह सुबह उठ के हम इसको करेंगे फ्राई, और पराठा रोल बना के मैं बच्चों को दे दूँगी, और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं आपको तो पता है। और ऐसा अक्सर होता है कि जब मैं बच्चों को तैयार करके दे रही होती हूँ तो फिर इब्राहिम को भी होता है कि मामा मुझे भी आप यही बना दो, आपको पता है वो घर पर होता है अभी बहुत छोटा है, तो उसको भी मैं यही बना देती हूँ। और ये जी हमारे डिलीशियस से पराठा रोल वाले कबाब तैयार हो चुके हैं, अब मैं इसको कर दूंगी फ्रीज़, और जब बच्चों का स्कूल टाइम होगा तो मैं उनको फ्राई करके पराठा रोल बना के दे दूंगी, बहुत यम्मी तैयार होगा। अल्लाह हाफिज़।